उत्तर प्रदेश के जिला इटावा में एसओजी टीम इटावा थाना सैसो पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में 13 मई को थाना सैसो क्षेत्र में ट्रक लूट की घटना का खुलासा करते हुए लूट के मास्टरमाइंड सहित लूटे हुए ट्रक एवं ट्रक में लदा हुआ माल कुल अनुमानित कीमत 40 लाख रुपए व घटना में इस्तेमाल की गई एक कार व अवैध असला सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से एक डीसीएम, एक अल्टो कार, 4 अद्ध तमंचा, 315 बोर, 5 जिंदा कारतूस, 315 बोर, 4 अद्ध खोखा कारतूस, 315 बोर, 1 अद्ध चाकू और लूटा हुआ माल समेत कुल 40 लाख की बरामदगी की गई। वहीं इटावा एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश सिंह द्वारा लूट की घटना का खुलासा करने वाली एसओजी एवं थाना सैसो पुलिस टीम को 25,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। थाना सैसो क्षेत्र में 13 तारीख की रात्रि में हनुमंतपुरा चौराहे से आगे एक ट्रक था जो प्लास्टिक पाइप और टंकियां लेके जा रहा था, उसके साथ एक लूट की घटना हो गई थी। 14 तारीख की सुबह, क्योंकि 13 तारीख में जब घटना की थी बदमाशों ने, तो उस ड्राइवर को अपने साथ ले गए थे तथा जंगल में डाल दिया था। 14 तारीख में सुबह आके उसने थाना बिठोली पे सूचना दी। जब इस सूचना पे सभी वरिष्ठ अधिकारी एसएसपी महोदय के द्वारा, मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा थाना सहसो में अभियोग पंजीकृत कराया गया। इसके लिए तत्काल एसएसपी महोदय द्वारा 2 टीमों का गठन किया गया, जिसमें थाना सहसो की एक टीम थी और थाना एक क्राइम ब्रांच की टीम थी। दोनों ने अथक प्रयास करके आज इस घटना का अनावरण 48 घंटे के अंदर अंदर किया है। समस्त लूटा गया माल, घटना में प्रयुक्त गाड़ी ऑल्टो कार जिससे लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, और जब यह केस वर्क आउट हुआ तो इसमें कुल अपराधियों की संख्या 5 पाई गई थी, जिन्हें पुलिस द्वारा एक मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। सुसंगत धाराओं में इसके तरमीम करते हुए, डकैती में तरमीम करते हुए समस्त अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इस उत्कृष्ट कार्य के लिए एसएसपी महोदय द्वारा, जिस टीम द्वारा इसका अनावरण किया गया है, उनको 25,000 का पारितोषिक भी दिया गया है। एक उत्कृष्ट कार्य इटावा पुलिस द्वारा किया गया है।